तो स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में कार साउंड के लिए मैं एक धमाकेदार प्रोडक्ट लेके आया हूँ, तो उसका अनबॉक्सिंग और इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो ये देखिए, बात सोच रहे होगे ये क्या, तो मैं दिखाता हूँ। एक बार इसका लुक देखिए, बहुत ही नायाब चीज लग रही है। तो ये बेसिकली एक कार के लिए जो हम साउंड सिस्टम लगाते हैं उस प्रकार का एक एम्पलीफायर है। जिसमें आप बेस ट्यूब कनेक्ट कर सकते हो, अपना एनक्लोजर कनेक्ट कर सकते हो और ये इनबिल्ट लग जाता है, यानी कि आपको कहीं पे एम्पलीफायर ऑल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका कैबिनेट है यानी कि एनक्लोजर हो गया, बास ट्यूब हो गई, उसमें सीधा ये लग जाएगा। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसकी फ्रंट पैनल है। इधर आपको 12 वोल्ट लिखा हुआ मिलता है, 25 एम्पियर का एक फ्यूज मिल जाता है। इधर आपको ग्राउंड देना होगा, बैटरी पॉजिटिव और रैम। रैम का मतलब ये होता है गाइस, इस वायर को आपको अपनी कार के जो फ्रंट टेप है उसमें से जो पावर का वायर है वो इधर लगाना होगा, ताकि क्या होगा, जब आप कार स्टार्ट करेंगे तभी ये हमारा ऑन होगा, वरना ये ऑन नहीं होगा। बाद में इधर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, इधर आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मिल जाता है। इधर क्रॉस ओवर है, यानी कि आप सिर्फ बेस चाहते हैं या फुल ऑडियो चाहते हैं। इधर आपको इनपुट का सेक्शन मिलता है और इधर आपको आउटपुट का। बाद में इधर हाई लेवल इनपुट और हाई लेवल आउटपुट है। हाई लेवल इनपुट का मतलब गाइस ये होता है कि आपको यहाँ से अपने जो स्पीकर के वायर है वो कनेक्ट करने हैं, और हाई लेवल आउटपुट का मतलब ये है गाइस कि आपको इधर से आउटपुट मिलेगा। इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब ये कहाँ से मिलेगा, कितने रेट में मिलेगा, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको 1600 से 1700 रुपए का मिलेगा। इस क्वालिटी का नहीं है, इससे थोड़ी लो क्वालिटी का है। मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया वो बताता हूँ। तो मैं जब दिल्ली गया था तो वहां पे मैंने ये प्रोडक्ट देखा था। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग में वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ गाइस, पहले सिर्फ आप इसका साउंड टेस्टिंग देखिए। तो सबसे पहले हम इसको पावर देने की बात कर लेते हैं कि कितना इनपुट हम देंगे। वैसे तो इसको कार की बैटरी चाहिए होती है जो कि 12 वोल्ट और 30 एम्पियर की होती है। तो लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कार की बैटरी तो है नहीं, तो मैंने पिछले वीडियो में एक पावर सप्लाई बनाया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा पावर सप्लाई था वो। ये देख लीजिए, ये वाला पावर सप्लाई मैंने पिछले वीडियो में बिल्ड किया था पूरा। तो इसमें इधर 14 वोल्ट आते हैं 10 एम्पियर में, तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ हम कौन सा सब ऊपर यूज करेंगे। तो चलिए मैं सब ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देख लीजिए, हम सोनी का जो सील्ड बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और ये 1800 वोट में है, आप इधर लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे। इसको अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हो, इसकी क्वालिटी, इसके मैग्नेट, सभी प्रकार से। तो मैं इसके साथ आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन हमें एक दिक्कत होगी गाइस, वो क्या दिक्कत है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इधर ये सिर्फ हमारा बास ट्यूब या इनक्लोजर के लिए, तो हमें सिर्फ इसको बास की तरह यूज करना है, हमें फुल ऑडियो नहीं चाहिए इसमें से। इसका जो बेस है वो टेस्ट करवाऊंगा तो आपको ऑडियो क्वालिटी सुनने में मजा नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें इधर जो ऑडियो आउट है उसका यूज करके एक और एम्पलीफायर इधर कनेक्ट करना होगा। इसमें यह भी स्पेसिफिकेशन है कि अगर आप चाहे और एक एम्पलीफायर लगाना तो भी आप इससे आउटपुट लेके लगा सकते हो। तो ये देखिए गाइस, तो मैंने एक एम्पलीफायर बनाया था TPA 3116D2IC का यूज करके, ये भी कार के लिए बनाया था मैंने। तो आज हम इसका
इसका जो आउटपुट है उसको हम इसके इनपुट में देंगे और इससे सिर्फ हमारा जो ऑडियो जहाँ से निकलता है 50-50 वोट के दो आउटपुट मिलते हैं आपको, उसमें हम हमारे स्पीकर कनेक्ट कर देंगे ताकि आपको फुल ऑडियो का एक्सपीरियंस हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अगर कार में करने पड़े तो कैसे हो वो भी आपको समझ में आ जाए। अभी हम हमारे पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो रैम का वायर हमारे पास होगा नहीं, तो इसके लिए हम रैम और 12 वोल्ट पॉजिटिव जो है उसको एक साथ मिला देंगे, नहीं तो आपको इन दोनों जगह पे 12 वोल्ट देने पड़ेंगे। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से इसमें हम हमारा सब वूफर कनेक्ट कर देंगे। इधर आप देखिए इधर इनपुट है, तो इसके पीछे आप देखिए इधर इनपुट के लिए सेक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक ऑक्स केबल है वो ले रहा हूँ, उसके दोनों जो नोब है उसको मैं इनपुट में डाल दूंगा और इसको फिलहाल हम मोबाइल से ऑपरेट करने वाले हैं, मोबाइल से सॉन्ग प्ले करेंगे तो ये हमारा मोबाइल में लग जाएगा। आपको ऐसे अगर आप कान में फिटिंग करवाओगे तो आप देखोगे कि ऐसे दो पिन वाले वायर आपको मिलेंगे, इधर भी दो पिन होगी, ये दो पिन आपके जो फ्रंट में टेप होता है उसमें लगेंगे, तो वो बात की बात है गाइस। बाद में मेरे पास एक और RCA ऑक्स केबल है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको भी इसमें लगा देंगे ऑडियो आउट में और इसकी पिन हम इसमें इन कर देंगे। तो ये हमारा ऑडियो आउट हो गया और ये इसके इनपुट में चला जाएगा गाइस। तो इतने कनेक्शन हो गए हैं। तो गाइस हमारा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, इसको मैंने दूसरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसका इनपुट लेके बाद में इसको मैंने मोबाइल के द्वारा इनपुट दिया है और इसका जो आउटपुट है सब ऊपर वाला वो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें जितनी भी क्वालिटी सुनाई दे उससे जब भी आप कार में लगाएंगे वो क्वालिटी डबल हो जाएगी, 10 एम्पियर ही इसको दे रहे हैं, इसको हमें कम से कम 20 एम्पियर तो देने ही होते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास उतना हैवी पावर सप्लाई है नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको ऑन कर लेता हूँ, तो इधर देखिए इधर ब्लू LED ग्लो करने लगी है हमारी, तो ये हमारा ऑन हो चुका है। मैं अभी इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, पहले हम इसकी साउंड क्वालिटी सुनेंगे। तो इसको मैं फुल पे रख देता हूँ, हमें पहले फुल ऑडियो चाहिए। जो गाइस इसकी ओरिजिनल MRP है वो है 850 रुपये। अगर आप दिल्ली लाजपत राय मार्केट में इसको ढूंढोगे तो आपको ये सिर्फ 850 रुपये में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो मैंने इसको इधर से परचेस किया है, ये मुझे 1300 रुपये का मिला है गाइस। ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही रेयर है, आपको कुछ जगह पे ही मिलेगा। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है और आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसको दिलवा दूंगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।